राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। चट मंगनी पट ब्याह तो सभी को अच्छा लगता है, मगर चट ब्याह और पट तलाक नव दंपत्ति ही नहीं बल्कि उन दोनों के परिवारों और कुटुंबों के लिए भी अत्यंत दुख का कारण साबित होता है। जी हाँ, आजकल अक्सर ऐसे तुरंत तलाक के केस आपको सुनने को मिलेंगे। क्या है इसका कारण? दरअसल विवाह समारोह में अक्सर लोग साज सज्जा पर तो बहुत ध्यान देते हैं, मगर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार यानी विवाह की विधि को जल्दबाजी में पूरा करते हैं। ऐसा कतई न करें, विवाह संस्कार को विधिवत पूर्ण करें। जिस तरह सात फेरों, सात वचनों का अपना शास्त्रीय व दार्शनिक महत्व है, उसी प्रकार विवाह के दौरान वर वधु के दुपट्टे और ओढ़ने के बीच होने वाले गठबंधन का भी विशेष महत्व है। आइए जानते हैं क्या है वह महत्व। गठबंधन करते समय वधु के पल्ले और वर के दुपट्टे के बीच सिक्का, हल्दी, पुष्प, दूर्वा, बताशा, सुपारी और चावल, ये पांच चीजें भी बांधते हैं। सिक्का यानी धन पर किसी एक का ही पूरा अधिकार नहीं होगा बल्कि समान अधिकार होगा। पुष्प प्रतीक है प्रसन्नता और कामनाओं का, यानी सदैव हंसते खिलखिलाते रहें, एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो, एक दूसरे की प्रशंसा करें, अपमान न करें। हल्दी आरोग्य और गुरु का प्रतीक है, एक दूसरे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुविकसित करने की कोशिश करें, कभी भी मन को छोटा न करें, विशाल हृदय से एक दूसरे के प्रति समर्पित हों, दिल हमेशा बड़ा रखें। दूर्वा का गठबंधन में होना बेहद आवश्यक है, ये वो शक्ति है जो आपके दाम्पत्य प्रेम को कभी मुरझाने नहीं देती। ध्यान रहे, दूर्वा का जीवन तत्व कभी नष्ट नहीं होता, मुरझा जाने पर भी पानी की कुछ बूंदें छिड़कने से ही दूर्वा फिर से हरी भरी हो जाती है। बताशा या मिठाई संबंधों में मिठास का प्रतीक है, जो अन्न कमाए उसे अकेले नहीं बल्कि मिलजुल कर खाए और परिवार और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का भी ध्यान रखे। खुश रहें, स्वस्थ रहें। कुछ नई टिप्स के साथ आपकी पंडितायन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद कीजिए।